माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि हमको किसानों की आय 2022 तक दोगुना करना है, और मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और पूरी योजनाबद्ध तरीके से उसके पालन के लिए जो जो आवश्यकता होती है वो कार्य करते हैं, और उसी के लिए ये नए कृषि कानून में संशोधन किए गए हैं, मॉडल कानून बनाए गए हैं, जिसके तहत आने वाले 2022 तक किसान की आय दोगुना होगी। ये दृढ़ संकल्पित है भारत की सरकार, लेकिन कांग्रेस और कुछ विरोधी पार्टियां किसानों को भ्रमित कर रही हैं, गुमराह कर रही हैं कि ये कानून किसान विरोधी है, जबकि इन्होंने ये कानून पढ़ा ही नहीं है। अगर जो भी ये कानून पढ़ेगा तो 100% सहमत होगा कि ये किसानों के हित में है, क्योंकि अभी तक जो भी सुविधाएं किसानों को दी गई है, जो कानून है, वो सुविधाएं जारी रहेंगी। यानी कांग्रेस कह रही है कि मंडियां बंद हो जाएगी, समर्थन मूल्य पर खरीदी बंद हो जाएगी, इसलिए किसान का रेट, उसको रेट नहीं मिलेगा, लेकिन इस कानून के तहत मंडियां भी रहेंगी, समर्थन मूल्य पर खरीदी भी होगी, उसके अतिरिक्त किसान के खेत से, खलियान से और घर से भी किसान अपनी फसल बेच सकता, ताकि उसका ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचे, उसका ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचे। अगर उसको मंडी से और समर्थन मूल्य से ज्यादा मूल्य अगर कोई व्यापारी या पैन कार्डधारी खरीदार उसकी उपज का उसके घर से, खलियान से, खेत से देता है, तो इसमें कांग्रेस को क्या तकलीफ है, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बचेगा, उसको बाजार से ज्यादा मूल्य मिलेगा, क्योंकि मंडी टैक्स इससे फ्री कर दिया गया है, तो व्यापारी को भी सुविधा रहेगी, जो टैक्स लगता है वो टैक्स नहीं लगेगा, तो किसान को जो टैक्स बचेगा वो किसान को ज्यादा मूल्य मिलेगा। और इसलिए ये जो नए कृषि कानून बनाए गए ये किसानों के हित में, इससे किसान की आय दोगुना होगी। और भारत के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने 3 दिसंबर को सभी किसान नेताओं को, किसान भाइयों को समय दिया है कि वो आके मिले, अगर कोई उनको गलत फहमी है कानून के बारे में, कोई सुझाव देना है तो वो दे सकते हैं। सरकार के दरवाजे हमेशा किसानों के लिए खुले हैं, क्योंकि ये सरकार किसानों की है। और 1,00,000 करोड़ रुपए का कृषि के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, आधारभूत ढांचे के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, और FPO बनाए जाएंगे, किसान कृषि कृषक उत्पादक समूह, जिनके माध्यम से अब गांव की प्रॉपर्टी के मालिकाना हक भी मिल रहा है। अभी तक कांग्रेस ने किसानों को तो गुलाम बना के रखा था, 55 साल तक सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों को आजादी तो मोदी जी ने दिलाई है, गांवों को और किसानों को, 24 अप्रैल 2020 को जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू हुई है। अब किसान खेती भी करेगा, साथ में व्यापार भी कर सकता, के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, आधारभूत ढांचे के लिए भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, और FPO बनाए जाएंगे, किसान कृषि कृषक उत्पादक समूह, जिनके माध्यम से अब गांव की प्रॉपर्टी के मालिकाना हक भी मिल रहा है। अभी तक कांग्रेस ने किसानों को तो गुलाम बना के रखा था, 55 साल तक सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों को आजादी तो मोदी जी ने दिलाई है, गांवों को और किसानों को, 24 अप्रैल 2020 को जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लागू हुई है। अब किसान खेती भी करेगा, साथ में व्यापार भी कर सकता है, व्यवसाय भी कर सकता है, उद्योग भी कर सकता है। अब किसान को वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी डाल सकता है, ताकि जो बिचौलिए कमाते थे वो अब किसान कमाएंगे। और इसलिए ये बिचौलिए जो है इनको तकलीफ हो रही है, बिचौलिए खत्म हो रहे हैं, और कांग्रेस ने हमेशा बिचौलियों का साथ दिया है, 55 साल राज किया है, और इसलिए कांग्रेस किसानों को भ्रमित करके आंदोलन कर रही है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है, बिचौलियों का आंदोलन है। ये कानून तो किसानों के हित में, और इसलिए किसान भाइयों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि इनके बहकाव में न आए। ये कानून आपकी तकदीर और तस्वीर बदलेगा, दशा और दिशा बदलेगा, और किसान को लाभकारी मूल्य दिलाएगा। और हम आपको विश्वास दिला रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम किसान की आय 2 गुना 3 गुना और 4 गुना करेंगे, किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, ताकि देश आत्मनिर्भर बने। लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि किसान आत्मनिर्भर बने या देश आत्मनिर्भर बने, क्योंकि इन्होंने हमेशा किसानों को लूटा है। 10 किलो का यूनिफॉर्म, 12 किलो का एम्युनिशन, 15 kg का रक्षक, एक सोल्जर जंग में दुश्मन से ये सब पहन के लड़ता है, और आप एक मास्क पहनने में हिचकिचाते हैं। यही तो है आपका हथियार कोरोना से लड़ने के लिए। एक सोल्जर आपसे कह रहा है, बनिए कोरोना सोल्जर मास्क पहन के। इस जंग में जुड़ने के लिए आए मैं coronasoldier.com पे रजिस्टर करो, मास्क पहनो, कोरोना सोल्जर बनो। मास्क का वार, कोरोना की हार।
संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक देख रहे हैं दखल न्यूज़।